नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर हरियाणा में आज हम नू जो पहले मेवात था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनेंगे इसमें। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी हैं इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन्हीं को मैंने सेलेक्ट किया है। इससे पहले हमने फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, करनाल, पंचकूला, पलवल ये डिस्ट्रिक्ट हैं वो करंट अफेयर कर चुके हैं। तो वो वीडियो आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो वो सारे के सारे ज़िले आप दे सकते हैं। 22 के 22 ज़िले आपको इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इनकी PDF फाइल है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका नाम है मेवात जो है था और अब नू है। तो इसकी स्थापना है वो 4 अप्रैल 2005 को हुई थी। इससे पहले इसकी स्थापना 2004 में जो ओम प्रकाश चौटाला ने घोषणा की थी सत्यमेव पुरम के रूप में, लेकिन वो नहीं बन पाया और हुड्डा सरकार में 4 अप्रैल 2005 को इसको स्थापित किया गया और इसका नाम रखा गया मेवात। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर मेवात से नू कर दिया गया, जैसे गुड़गांव से गुरुग्राम किया गया। तो 12 अप्रैल 2016, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि नाम कब बदला गया। इसका एरिया वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया है 1860 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो सेक्स रेशियो का क्वेश्चन और साक्षरता का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है पूरे हरियाणा के अंदर। 22 ज़िलों में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है मेवात का, 1000 पुरुषों के पीछे 907 महिलाएं। इसी के साथ साथ अब सेक्स रेशियो ज़्यादा है और साक्षरता यहाँ सबसे कम है, तो 54.08% सबसे कम साक्षरता दर है। सेक्स रेशियो सबसे कम गुरुग्राम में है, लेकिन साक्षरता सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में है। तो अपोजिट हैं एक दूसरे के, गुरुग्राम और मेवात। चलिए अब करंट अफेयर देख लेते हैं। देश का पहला मोबाइल कोर्ट या बोल सकते हैं आप चल न्यायालय, ठीक है, कैसे भी आ सकता है चल न्यायालय। तो ये 5 अगस्त 2007 को नू के अंदर या मेवात के अंदर इसकी स्थापना की गई मोबाइल कोर्ट की। आगे देखिए मेवात विकास बोर्ड। देखिए मेवात है वो मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा है मेवात। यहाँ पे मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं और मेवात है वो हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला माना जाता है। तो इसको विकास के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, मेवात विकास बोर्ड, जिसके अध्यक्ष हैं वो CM होते हैं। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना की शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, तो ये नू से हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रदेश का 7वां IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, नू के अंदर स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीति आयोग जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और इसके CEO हम बात करें तो अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग ने के पिछड़ेपन पर एक रैंकिंग जारी की है, जिसके अंदर मेवात या बोले हम नू तो इसको कौन सा स्थान दिया गया है, तीसरा स्थान दिया, पिछड़ेपन में कौन सा स्थान दिया गया है, तीसरा स्थान दिया गया है। हरियाणा उर्दू अकादमी, देखिए जैसे साहित्य अकादमी वैसे साहित्य अकादमी के हरियाणा उर्दू अकादमी, तो उर्दू अकादमी है जो उसके जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर नरेंद्र कुमार उपमन्यु, जो इसका हेडक्वार्टर है हम बात करें उर्दू अकादमी तो ये पंचकूला के अंदर है, और नरेंद्र कुमार उपमन्यु इसके निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उर्दू साहित्य 6 के अंदर एक क्वेश्चन और ध्यान रखना आपको, उर्दू साहित्य के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हाली पुरस्कार दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा में कहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की नई बटालियन को मंजूरी दी है, तो ये नू के अंदर दी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन हरियाणवी इंडियन आइडल सेशन नंबर 10 के विजेता बने हैं, तो वो बने हैं सलमान अली, नू के ही हैं सलमान अली, जो इंडियन आइडल सेशन जो सीजन था 10 उसके विजेता बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृत की लेक्चरर बनने वाली मेवात क्षेत्र की पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है, तो ये बनी है सबनम बानो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा का एकमात्र राजकीय ISO सर्टिफाइड स्कूल कौन सा है, तो राजकीय जो ISO सर्टिफाइड स्कूल है वो बना है राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीवा के अंदर है, ये मेवात के अंदर बीवा गांव है, तो वहाँ पे इसको बना है, फर्स्ट है ये राजकीय ISO सर्टिफाइड स्कूल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे 10, तो इनमें से आपके एग्ज़ाम में
क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हम और एक दो क्वेश्चन की बात करें मेवात से रिलेटेड, तो यहाँ पे पहला कंट्री क्लब स्थापित किया गया, कंट्री क्लब की हम बात करें, और इसके साथ साथ जो नू के अंदर है छुई मुई का तालाब है, शेख मूसा की मज़ार है, चूही का तालाब है, वो भी आप कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपके वीडियो पसंद आ रहे हैं। जल्दी ही आपको सारे ज़िले हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जो ज़िले अभी तक मैंने अभी तक वीडियो बनाए हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उनकी PDF भी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।